प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टू हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को यूज किया था टू ओलेबोरेट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट फार्मर कैन प्रोड्यूस फिर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप ऑफ आइसो रेवन्यू करव एंड स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हाँ जी अब जब यहाँ पे चेंज इन प्रोडक्ट प्राइसिस होगी तो उसकी वजह से क्या होता था देअर इज चेंज इन स्लोप ऑफ आइसो रेवन्यू कर जब स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू करव चेंज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा देयर इज चेंज इन प्रॉफिट मैक्माइजिंग कंबिनेशन ऑफ आउटपुट दैटर शुड प्रोड्यूस हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि वैन प्राइस ऑफ वेजिटेबल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देयर इज अ फॉल इन प्राइस ऑफ फ्रूट्स बिकॉज ऑफ दैट फॉल इन प्राइस ऑफ फ्रूट क्या होती थी कि आपकी स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू करव स्टीपर हो गई थी और जो आपके पास न्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंबिनेशन होगा उसमें क्या होगा कि नो फार्मर विल प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड लेस क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स अब अगर उसी पैटर्न पर हम रूम करें कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट्स तो उस केस में क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर्व कर्व विल अगेन चेंज और इस केस में क्या हो जाएगी इट विल बिकम फ्लैटर और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फ्रूट फार्मर हैज टू मेक

और हमने इस चीज को जब ग्राफिकली डायग्राम की शो डिपिक्ट किया था तो उसने कुछ ये इंडिकेट किया था कि जी सी डी इज द कंबिनेशन वेयर प्रोड्यूसर वेयर फार्मर कैन मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट लेकिन अगर हम करें देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ फ्रूट प्राइस ऑफ फ्रूट क्या हो गई मेरी एजम्प्शन है कि प्राइस ऑफ फ्रूट डिक्रीजेस और जब प्राइस ऑफ फ्रूट डिक्रीज हो जाएगी टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फार्मर हैज टू सेल डबल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स और यहां ये जो बीसी कर्व है दिस इज दईसो रेवेन्यू कर्व प्राइस ऑफ फ्रूट डिक्रीजेज डिक्रीज बाई फिफ्टी परसेंट जी ये कर्व क्या होगी दिस कर्व विल बिकम स्टीपर एंड टू फाइंड आउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन आई हैव टू शिफ्ट दिस आइसो रेवेन्यू कर्व उटवर्ड जब मैं इस आइसो रेवन्यू करव को आउटवर्ड शिफ्ट करता हूं तो इट बिकम्स टेजेंट अगेंस्ट कंबिनेशन एच आई और ये एच आई कंबिनेशन क्या रिपोर्ट कर रहा हैल कंबिनेशन फार्मर हैजू इनक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल और साथ में वो क्या कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट

इसी चीज़ को एक टेबुलर फॉर्म में शो कर दूं तो अंडर न्यू मार्केट कंडीशन व्हेन प्राइस ऑफ फ्रूट बिकम्स टेन प्राइस ऑफ वेजिटेबल इज इक्वल टू टेन तो यहाँ पे जो मेरे पास फोर्थ कॉलम है वो रिपोर्ट करे रेवेन्यू दैट अ फार्मर इज गेटिंग बाई सेलिंग डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल अगेंस्ट कम्बिनेशन एच फार्मर इज अर्निंग रेवन्यू इज इक्वल टू एटीन हंड्रेड

एच आई कंबिनेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और अब हम इस सारे को समराइज कर दें कि द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट कैन बी फाइंड आउट बाय इक्वेटिंग द स्लोप ऑफ आइसो रेवेन्यू कर विद स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर